हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं मिसिंग ऐप मॉडल .ts फाइल इन एंगुलर प्रोजेक्ट। एक्चुअली अगर आपने लेटेस्ट वर्जन में अगर एंगुलर इंस्टॉल करा होगा, उसका CLR इंस्टॉल करा होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम देखते हैं, हम दो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जिसके फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमारे पास मिस रहेगा हमारा ऐप मॉडल .ts एंड सेकेंड प्रोजेक्ट में हम ऐप मॉडल .ts को लेके आएंगे कैसे भी करके, एंड हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे मिस क्यों हो चुका है और यहाँ पे क्यों है, और दोनों की चीज़ें हम कंपेयर करके देखेंगे कौन से फाइल क्या चेंज हो चुका है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, और आप अगर एंगुलर में कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तब आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि एक्चुअल में मेरे पास नोड का वर्जन देख सकते हो 20 है, NPM का वर्जन देख सकते हो 8 है, एंड एंगुलर का वर्जन देख सकते हो 17 है, जो लेटेस्ट में चालू है, यानी कि 17.0.3 हमारा एंगुलर CLI का लेटेस्ट वर्जन है। तो आप अगर डाउनलोड करके देखोगे तो यही आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी आप वेबसाइट पर जाके चेक करोगे तो। ओके, तो होप करती हूँ कि आपका भी लेटेस्ट वर्जन होगा, जिसके कारण आपको ऐप मॉड्यूल डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, तो उसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखना चाहती हूँ, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो मेरे पास एक फोल्डर है यूट्यूब वीडियो, उसके अंदर एंगुलर का एक और फोल्डर क्रिएट कर चुका है, और वही मैंने कमांड यानी कि टर्मिनल ओपन करती हूँ मैं इंस्टेड ऑफ कमांड। ओके, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर डाला है, यानी कि हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंगुलर फोल्डर में फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से। ओके, एंटर हिट कर देती हूँ। तो बस हम पहले जैसे हम नया प्रोजेक्ट करते थे, यानी कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, तो हमारे पास ये सिंपल वाला कमांड रहता था हमेशा। तो हम वही ट्राई करेंगे सिंपल वाला कमांड ऐड करके। ओके, मैंने एंटर हिट कर दिया, तो थोड़ी देर में मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको स्टाइल में CSS चाहिए, SCSS चाहिए या कुछ और। तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर बोल के प्रोजेक्ट है मेरे पास, यानी कि फोल्डर क्रिएट करा हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं, CSS चाहिए, SCSS चाहिए या SAS चाहिए, LS चाहिए। तो हम यहाँ पे SCSS को चूज़ कर देते हैं, एंड देन आपको जस्ट क्लिक करना उसके ऊपर लाके आपका एरो। ओके, तो यहाँ पे मैं ला के एंटर हिट कर देती हूँ। सो जैसे मैं एंटर हिट करूँगी, यहाँ पे आपको डू वांट टू अनेबल सर्वर साइड रेंडर एंड स्टैटिक साइड जनरेशन, तो यहाँ पे आप वाई डाल देना। अगर आप नो भी डालोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे वाई डाल चुका है, आप एन भी डाल सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है हमारा, हमारे सारे पैकेजेस यहाँ पे डाउनलोड हो रहे। तो यहाँ पे देखो मेनली मैं यहाँ पे बोलूँगी, तो यहाँ पे देखो app.component.html, app.component.ts और app.component.scss आ चुका है, लेकिन main.server.ts के बाद हमें app.module.ts आता था, जो अभी नहीं आ रहा। हमारे पास app.router.ts भी है, लेकिन app.module.ts इसके अंदर है ही नहीं। यानी कि आप समझ गए, अगर मैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगी, यानी कि मैं करूँगी छोड़ो, लेकिन यहाँ पे गौर करो कि app.module.ts ये फाइल मिसिंग है। ओके, तो ये नॉर्मल अगर आप कमांड डालोगे, जैसे हम पहले डालते थे ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम, तो आपको app.module.ts वो फाइल मिस कर देगा, यानी कि वो देगा ही नहीं आपको इंस्टॉलेशन पैकेज में, यानी कि प्री फिल्ड जो फाइल्स रहते थे हमारे पास, उसके अंदर वो मिस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ना नया कमांड यूज़ करना है। ओके, ना कि ये कमांड यूज़ करना है। तो मैं वो कमांड हम अभी ट्राई करते हैं और नया एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ये तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो मैं आपको ना बाद में वो कंपैरिजन करूँगी, ना कि अभी। ओके, नाउ ट्राई दिस सॉल्यूशन। ओके, जिसके अंदर हमें ऐप मॉडल .ts चाहिए। ओके, तो उसी फाइल में मैं आती हूँ फिर से। यहाँ पे मैं ng न्यू और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं सेकेंड प्रोजेक्ट रखती हूँ, वो हमारा हो गया था फर्स्ट प्रोजेक्ट और ये हमारा है सेकेंड प्रोजेक्ट।
तो इसमें कमांड में थोड़ा सा अलग लिखूंगी। जैसे देखो एनजी न्यू सेकेंड प्रोजेक्ट तो लिखा है, लेकिन हाइपन हाइपन हमें लिखना है नो हाइपन स्टैंड अलोन। ओके, तो नो हाइपन हाइफन यानी कि डैश। हाँ हाइफन यहाँ पे हम बोल रहे हैं, लेकिन उसको डैश आप अपने कीवर्ड में से डैश को ये कर देना, स्टैंड अलोन लिखना है आपको। तो ये कमांड आपको, अगर आपको app डॉट मॉड्यूल डॉट ES चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको हमेशा ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा, ng new प्रोजेक्ट का नेम एंड हाइपन हाइपन नो हाइपन स्टैंड अलोन। ओके, देन मैं एंटर हिट करूंगी। देन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे मुझे एस सी एस एस चाहिए, सी एस एस चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछेगा और उसके हिसाब से आप चूज कर लेना। एंड देन देखो यहाँ पर भी सेम मेरे पास आ चुका है, तो मैं यहाँ पर भी यस सी एस एस ही चूज कर लूंगी। एंटर हिट, यहाँ पे मुझे को वही पूछा सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए, मैं यहाँ पर नो कर दूंगी। आपकी मर्जी, मैंने वहां पर भी बोला था आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी मैं बोलूंगी आपकी मर्जी है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। एंड देन इंस्टॉल करेंगे, तो देखो इंस्टॉलिंग पैकेजेस। एंड देन यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आपको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस मिल चुका है। अगर आपको मतलब कंफ्यूज हो रहे हो तो वो वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन चेक करो, वहाँ पे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस मिसिंग है और यहाँ पे आपको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस मिल जाता है। ओके, तो आपको ये बस लिखना है कि हाइपन हाइपन नो हाइपन स्टैंड अलोन। ओके, वो मैं बता दूंगी कि एक्चुअल में हम कंपेयर करेंगे ना, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे उन दोनों फाइल्स में, एक्चुअल में फाइल्स में क्या चेंज आ चुका है, कि वहां पे हमें ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस क्यों नहीं मिल रहा और यहाँ पर हमें मिल क्यों रहा है। ओके, तो हम वो चीज़ें चेक करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये भी मेरा पूरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है एंड देन ये भी प्रोजेक्ट मेरा रन हो चुका है। तो अभी मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, पहले मैं रन हुआ हुआ दिखा देती हूँ, देन आपको कंपेयर करेंगे हम इसके बाद वाला सेक्शन। ओके, तो अभी हम करेंगे कंपेरिजन बोथ प्रोजेक्ट्स। ओके, प्रोजेक्ट हमारे पास दो है, फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड सेकेंड प्रोजेक्ट, तो अभी हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने दोनों को भी रन करके देखा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट भी रन हो चुका है, सेकेंड प्रोजेक्ट भी हमारे पास रन हो चुका है। ओके, अभी मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में जाती हूँ, तो मैंने ऑलरेडी उनको VS कोड में ओपन कर चुका है, दोनों जो भी हमारे प्रोजेक्ट है उन दोनों को। ओके, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जहाँ पे देख सकते हो, तो SRC फाइल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे SRC फाइल के अंदर जाती हूँ मैं, ना कि बाहर की चीज़ें तो उतनी मतलब IMP है, लेकिन अभी तो हमें कंपैरिजन करना है, तो बस इसी वजह से मैं चेंजेस किस फाइल में आ चुके हैं वो वाली चीज़ें आपको बताऊंगी सिर्फ। ओके, एंड ये वाला हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट है। ओके, इसके अंदर भी SRC फाइल है, तो देखो SRC फाइल के अंदर सेम चीज़ें, ऐप का एसेट का और बाकी सब चीज़ें। ओके, इंडेक्स वगैरह, ऐप के अंदर आप जाओगे आपके पास दिखेगा ऐप राउटर मॉड्यूल डॉट टी एस, ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है, यानी कि ओल्ड वर्जन, ओल्ड का सारी चीज़ें आने वाली है यहाँ पर। ऐप मॉड्यूल भी दिखेगा, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस दिखेगा, ऐप CSS, ऐप HTML, ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ फाइल की, तो यहाँ देखो ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर, यानी कि ये जो लाइन में जो सिलेक्ट करूँ ये लाइन और वहाँ का लाइन में कंपेयर करूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल यहाँ पर सिर्फ इतना है, यानी कि एक मॉडल है, सिर्फ एक सॉरी सिर्फ एक कंपोनेंट है। ओके, यहाँ पे कुछ और काम नहीं करता, वो सिर्फ एज अ कंपोनेंट वो यहाँ पे एक्सेस हो रहा सेकेंड प्रोजेक्ट में। लेकिन वही चीज़ मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट में अगर कंपेयर करूँगी, जहाँ पे हमारे पास ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस है नहीं उस वाले पेज पर, तो यहाँ पर देखो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर मैं जाती हूँ, तो देखो यहाँ पर वही चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, सिलेक्टर आ गया, इंपोर्ट आ गया और बाकी सब स्टैंड अलोन आ गया। सिलेक्टर तो ऐप रूट है छोड़ो, लेकिन ये देखो यहाँ पर दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ चुकी है, जिसके अंदर है स्टैंड अलोन ट्रू इंपोर्ट, और जहाँ पर हम इंपोर्ट कर चुके हैं कुछ और हमारे कंपोनेंट्स। ओके, समझ में आ गए, वहाँ पे ये काम हमारा यहाँ पे करता है, यानी कि ये जो नया प्रोजेक्ट नया फीचर आया है ना, तो ये क्या कर रहा है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस को ही ऐप मॉड्यूल डॉट सॉरी ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस को ही ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस का रोल दे रहा है, यानी कि यहाँ पर आप अलग अलग कंपोनेंट को इंपोर्ट करके एक ही फाइल में खेल सकते हो।
वहाँ पे पहले क्या होता था, ऐप मॉड्यूल बोल के एक रहता था जिसके अंदर सारे मॉड्यूल्स को आप ले लेते थे एंड वहाँ पे आप इंपोर्ट करते थे। ओके तो सेम चीज़ यहाँ पे होने वाले, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे ऐप मॉड्यूल वर्क करता है, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट यहाँ पे वर्क करता है, वो और ये दोनों सेम चीज़ें। ओके और यहाँ पर अगर आप स्टैंड अलोन ट्रू की जगह फॉल्स करोगे तो एरर देगा। तो मैंने ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, वैसे हम नया एक फाइल क्रिएट करेंगे एंड देन ऐप मॉड्यूल बनाएंगे तो वर्क नहीं करेगा। ओके तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा वर्क नहीं करेगा, इस वजह से ऐसा मत कीजिए। आपको जैसे मैंने कमांड बोला है, अगर आपको ऐप मॉड्यूल चाहिए तो वैसा ले लो, अगर नहीं चाहिए तो ऐसा नॉर्मल सा हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके तो आपको आई होप ये वाला डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास ऐप मॉड्यूल यानी कि ऐप कंपोनेंट डॉट ई एस सेकेंड प्रोजेक्ट में ऐसा है, तो फर्स्ट में हमारा अलग है, जो हमारा अलग है वो ऐप मॉड्यूल की जगह ले चुका है। तो अभी इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर हम जैसे इंपोर्ट होकर करते थे ना ये सारी चीज़ें, देखो अगर हमारे पास और भी मॉड्यूल्स रहेंगे, हम मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर ही, हम ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर ही उन सभी को इम्पोर्ट करते थे तो सभी जगह लग जाता था, यानी कि एक्सेस हो जाता था वो चीज़। लेकिन अभी वहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने कर चुका है, जैसे कि मैंने राउटर आउटलेट यहाँ पे ले चुका है, हेडर कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका है, फुटर कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका है। आप देख सकते हो वो तो नया प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस करके, मतलब मैंने इसीलिए करा है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या क्या डालना है बोल के, इसीलिए मैंने हेडर और फुटर के ऐसे दो कंपोनेंट क्रिएट कराए जो यहाँ पे इंपोर्ट कर चुकी हूँ मैं। ओके एंड देन यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट में ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस ऐसा है। ओके सेम वहाँ पर भी है लेकिन नेम चेंज है, यहाँ पे ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस था हमारे पास। ओके लेकिन वहाँ पर क्या है, उस फाइल का नेम चेंज है लेकिन सारी चीज़ें अंदर की सेम है। ओके वहाँ पे कुछ चेंजेस किया है मैंने, तो इस वजह से कोड आपको नहीं देखना है, नेम आपको देखना है, लेकिन कोड डिटो सेम है। ओके यहाँ पर देखो आपके पास है ऐप डॉट राउटर्स डॉट टी एस, और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें यानी कि जो भी कंपोनेंट मैंने क्रिएट करा है उन सभी को यहाँ पे पाथ वगैरह ऐड करके रखा है। ओके लेकिन कोड सेम है, नेम अलग है, दोनों के फाइल के नेम अलग है लेकिन कोड डिटो सेम है। ओके तो ये सेम है लेकिन फाइल का नेम अलग है, इतना याद रखो, ये एक दूसरा डिफरेंस है हमारा। ओके कंपेयर करें तो, एंड देन थर्ड डिफरेंस मेन मेन डॉट टी एस। ओके यहाँ पर देखो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट में यहाँ पर हम ऐप कंपोनेंट को एक्सेस करें, यानी कि हम सबसे बड़ा रोल हम दे रहे ऐप कंपोनेंट को, जो भी आप इंपोर्ट करोगे जो भी आप कुछ भी करोगे तो ऐप कंपोनेंट में होगा वो। ओके लेकिन वही चीज़ अगर मैं सेकेंड प्रोजेक्ट में दिखाऊँ यानी कि ओल्ड वाले इसमें, तो मेन डॉट टी एस में हमारा जो काम करता है ना वो ऐप मॉड्यूल करता है। तो मैं उसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ऐप मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है हमने, तो ये मेन थर्ड वाला डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप मेन डॉट टी एस में आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस, वहाँ पे ऐप कंपोनेंट को कॉल किया है, यहाँ पे ऐप मॉड्यूल को, तो यानी कि इनको वो रोल दे चुका है, यानी कि ये दोनों चीज़ सेम है लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे हमें उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, यानी कि ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस को, और यहाँ पे हमें ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऐसा समझो। ओके तो ये मेन तीन चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी, जो सेम चीज़ें हैं। ओके कंपेयर करें तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी तो हमारा कंपोनेंट रहता है, आप जैसे कंपोनेंट क्रिएट करोगे वैसे आप इंपोर्ट करके उसके हिसाब से चला सकते हो। ओके तो ये तीन चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके